हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी. दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है माई डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर मैं आपके साथ लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने एड्स का कुछ पार्ट डिस्कस किया था कुछ पार्ट रह गया था उसका पैथोजेनेसिटी से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद कैंसर जो है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऑल ऑफ यू गाइज रेडी फॉर टुडे सेशन और भाई कल किस किस ने देखा था टुक्का ट्रिक हाउ टू अटेम्प्ट एम सिक यूज करेक्टली जिसने नहीं देखा टेलीग्राम चैनल मैंने बोला इट्स अ पार्ट ऑफ़ योर स्टडी इसे ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक भी मैं अभी वापस से भी शेयर करूंगी तो वो एक बार देखिएगा और कल रात दस बजे मैं आप लोगों के साथ अबाउट द मेंटल हेल्थ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी जो इतने सारे स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन में पता नहीं क्यों चले जाते हैं और अभी आजकल का जो सिनेरियो कुछ इस तरीके से जो आई जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पहुँचने के बाद आई आई में पहुँचने के बाद कुछ लोग जो है आपने सुना होगा सुसाइड कर लेते हैं तो वैसा क्यों तो कैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है सुसाइड इजन बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक चीज़ है इसको हम नहीं करें बट डिप्रेशन का शिकार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसके साथ कैसे डील करना है क्या है अरे यार ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ों के बारे में ह्यूमन मेंटल हेल्थ के बारे में मैं कल रात दस बजे आपके साथ मिलूंगी और उसके बारे में डिस्कस करूँगी आज रात दस आज रात साढ़े आठ बजे तो हम लोग साढ़े दस तक चलेगा ऑलमोस्ट आज रात हम लोग शुरू करेंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन टुडे एट थर्टी नाइट ठीक है आज रात साढ़े आठ बजे चलिए गाइस शेयर द लिंक फटाफट से लिंक को शेयर कर लीजिए जब तक मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ और मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना मुझे अपना नंबर भी शेयर करना है आप लोग के साथ तो भाई अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आप मेरे साथ जुड़कर पूरे साल भर नीट की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और सिर्फ मैं ही नहीं अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के 40 प्लस टॉप एडिकेटर्स आपको और पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसा क्या है यूट्यूब से जो डिफ़र करता है तो एक तो वहाँ पर भी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं लेकिन लाइव क्लासेस आपके यूट्यूब की तरह नहीं होती वो बहुत इंटरेक्टिव पैनल है जैसे क्लास होता है ना वन ऑन वन आपका और मेरा इंटरेक्शन उसके अंदर होता है आप डाउट पूछोगे मैं तुरंत एनकाउंटर करती हूँ इवन तो आप अपने किसी डाउट का फोटो क्लिक करके वो सुविधा वहाँ आप वहीं की वहीं मुझे भेज दोगे क्लास में तो वहीं एनसीआर की लाइन समझ आ रही आपने फोटो क्लिक किया उसमें डाला तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यानी कि आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं वन ऑन वन एडुकेटर और स्टूडेंट uh, का इंटरेक्शन वहाँ पर होता है रिकॉर्डेड वीडियोज भी अवेलेबल होते हैं उसके देखने के लिए लाइव टेस्ट क्विजेस आपको मिलेंगे ऑब्वियस सी बात है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी तैयारी के लिए यार टेस्ट और क्विजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कितने लोग आपसे आगे हैं कितने लोग आपसे पीछे है कितना आपको और बेहतर परफॉर्म करना है ये सारी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी और तीसरा स्टेप जो अनकेडमी प्लस पर आपको मिलता है वह है रिविजन सीरीज मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट कोर्स कंप्लीट कराया और छोड़ दिया उसके बाद आपका बेहतरीन मोड ऑफ रिवीजन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स द्वारा उनके सेल्फ डिजाइन रिविजन कैप्सूल कोर्स रैंक बूस्टर कोर्स सक्सेस बूस्टर कोर्स इनके थ्रू बेहतरीन रिविजन आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस करवाया जाता है और सबसे खास चीज इस प्लेटफॉर्म की जो इसे सबसे डिफर करता है इट इज अनलिमिटेड एक्स अनलिमिटेड एक्सेस क्या है बच्चा यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से आपके लिए जो 40 प्लस एडुकेटर्स है ना वो सब अनलॉक हो जाते हैं आपकी मर्जी आए मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्सक्रिप्शन मैंने आपका ले लिया बायो पढ़ लूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होगा नहीं ऐसा नहीं होता केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से सारे एडुकेटर्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं जिस भी टॉपिक में जिस भी एडुकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर सक करता है आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये एक चीज है ये सारा कुछ अकेडमी प्लस पर इस पर आओगे कैसे तो सिंपल है आपको ये बहुत पुराने हैं इसलिए मैं स्लिप बहुत पुराना हो गया ये इसके बाद दो कोर्सेज और निकल गए मैं आपको अपडेट कर दूंगी उसके बारे में भी क्या करना पड़ेगा सिंपली प्ले स्टोर पर जाओगे प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे उसके तुरंत बाद आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है इस बच्चों आप उस पर क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा उसमें आप नीट यू जी जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे इट इज़ वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है ये उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और पॉकेट फ्रेंडली भी है देखो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं नीट की तैयारी को करने के लिए कम से कम एक से दो साल तो आपको चाहिए ही चाहिए वन से टू ईयर वैसे भी लगते हैं तो हमें अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन तो इसी ड्यूरेशन का लेना होगा लेकिन आप टुकड़ों में लेते हो तो आप देखो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन पंद्रह हज़ार का है तो छः महीने में ही ना तीस हज़ार लग जाते हैं लेकिन तीस हज़ार में तो पूरा वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और एक एक महीने का करके देखो तो पाँच महीने में तीस हज़ार ठुक जाते हैं लेकिन पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है थर्टी थाउजेंड में तो और इसके अंदर आपको जस्ट एक महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा करना होता है वन ईयर में सिर्फ एक महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा करना है यानी कि छह हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करना है एक महीने के पेमेंट में पूरा दो साल यानी कि एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अभी टू ईयर का सब्सक्रिप्शन एज पर मतलब मेरा पर्सनल गाइडेंस तो आप इरस्पेक्टिव ऑफ योर टारगेट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो भी आप टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर जा सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक महीने का पेमेंट करना है आपका सिलेक्शन हो जाता है आप इसे पास ऑन भी कर सकते हैं किसी और को और उससे आप पैसे ले सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है तो मतलब ऐसा नहीं आप किसी को पास ऑन भी कर सकते हैं ये बाद में दिस इज द थिंग ठीक है इसकी फ़ीस भी कम हो जाएगी इसकी फ़ीस थर्टी सिक्स थाउजेंड या थर्टी थाउजेंड भी नहीं देनी पड़ेगी मेरी तरफ से मैं आपको इस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट भी देती हूँ उसके लिए आपको मेरा ये कोड अप्लाई करना है शिवानी इस कोड को जो मेरा नाम है सिंपल शिवानी कोड को, को तो सीधा -सीधा डिस्काउंट मिलता है प्लस आप इससे सीधे मेरे पर्सनल गाइडेंस में मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे आपका और मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन रहेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाएंगे सिर्फ क्लासेस के दौरान ही क्लासेस के बाद भी थ्रू आउट द ईयर मैं आपको गाइड करने वाली हूँ आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो शेड्यूल मैं आपको बना के देती हूँ ठीक है मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं है, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ क्वेश्चन बैंक सारे मैं भेजती हूँ कैसे रिविजन करना है शॉर्ट नोट्स कैसे बना कर बनाना है सारी चीज़ें आपको और जो भी दिक्कत है सारी पर्सनल मतलब मेरा, मेरा मेंटरशिप आपको मिलेगा बहुत से बच्चे मैम मॉर्फोलॉजी याद नहीं होती इतने एग्जाम्पल याद होते हैं इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाता हूँ मत याद करो आप ये छोड़ो ये मत छोड़ो ये एटलीस्ट कर लो क्वेश्चन ऐसे बनता है क्लास में कोई डिक्टेट कर दे कि 90 परसेंट एज आई ऑलवेज टोल्ड यू 90 परसेंट स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट ओनली टू टू थ्री परसेंट स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड तो क्या कारण है उनकी स्ट्रेटेजी खराब है अगर आपको डे वन से कोई डिक्टेट करे कि ये क्वेश्चन में ना बच्चा ऐसे गलती करता है आपको ये गलती नहीं करनी बच्चा ये सोचता है और सिर्फ दो से तीन परसेंट बच्चा सही करते हैं आपको ये नहीं करना अगर डे वन से कोई ऐसा आपको गाइड करे तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आप अपनी मनचाही रैंक को क्रैक कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है अगर आप ये कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे क्योंकि आप मेरे सुपर एट्टीज का दरवाजा भी यहीं से खुलता है आप मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाएगा मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है इट इज अबाउट दिस चलिए इट इज अबाउट दस माई डियर स्टूडेंट्स एक सेकेंड ये कहाँ रह गई मैं हाँ जी तो ये सारा कुछ हो गया चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विदेशन लेट्स गेट स्टार्टड विदेशन इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट चीज बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लो जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है वो मस्ट है वो मस्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन स्टडीज ठीक है एक तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे रही हूँ और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर में शेयर कर रही हूँ जो आज चालू हो जाएगा कल से आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर पाएंगे मेरा टेली लोग पढ़कर आए हैं ऐसा ही मान के चल रही हूँ मैं कि पढ़कर ही बैठे हो तुम लोग ये सब तो हम कब का कर चुके ये सब डिस्कस हो चुका मुझे आपके साथ एड्स का पैथोजेनेसिटी डिस्कस करना है बच्चा AIDS का पैथोजेनेसिटी डिस्कस करना है ये क्या हो रहा है यार और फिर आज कैंसर डिस्कस करेंगे बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है कैंसर डिस्कस करेंगे मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आप लोग यहां तक का सब पढ़ चुके हैं सब पढ़ चुके हैं हाँ जी एक सेकेंड मैं एक बार लिंक देख लूँ चलिए चलो शुरू करते हैं बेटा मैं एक बार लिंक देख लूँ चलिए एक सेकेंड हाँ जी तो लेट गेट स्टार्टेड एड्स ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस होगी लास्ट सेशन में वो नहीं डिस्कस करूंगी जहाँ से करना है आपको पता है हेल्पर सेल हम डिस्कस कर चुके हैं टी हेल्पर सेल का नंबर सबसे ज़्यादा मतलब इसमें गिर जाता है नाइन फिफ्टी से टू हंड्रेड से भी लेस देन रह जाता है सबसे पहले यूएस ए के अंदर ठीक है होमोसेक्सुअल मेल में डिटेक्ट किया गया इंडिया में फर्स्ट एड्स केस जो है नाइनटीन एटी सिक्स में चेन्नई में डिस्कस किया गया ऑलरेडी डिस्कस गई है सारी चीज़ें वायरस को बाद में वाज नेम्ड इस जो इसका जो वायरस है ना एच वायरस जो है एड्स के लिए जो रिस्पॉन्स है बहुत सारे नाम हैं जैसे कि एच सी एल वी थ्री डेट इज द ह्यूमन सैन ल्यूकेमिया वायरस थ्री भी कहते हैं एच टी एल वी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थ्री एल ई वी डेट इज द लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस और एच आई वी वन एच आई वी आपने ज़्यादातर सुना होगा क्योंकि इट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया और अभी ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है बट मोस्ट कॉमन वायरस जो है इट इज़ द एच आई वी इसलिए आपने अधिकतर नाम एच आई वी सुना होगा बट ये सारे भी हैं लिम्फेटिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस ह्यूमन टी टीलिम्फोसाइट वायरस एंड ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थ्री ये सारे भी दिस आर द वायरस विट इज रिलेटेड टू दिस ट्रांसमिशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका तो मुझे ये नहीं पढ़ाना है मिसकनसेप्शन क्या है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी पैथोजेनेसिटी ठीक है ये मैं डिस्कस करूंगी डायग्राम ऑलरेडी इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्टली इस पर आए मैं आपको इसका ये पढ़ा देती हूँ एक सेकेंड पहले मैं इसको थ्योरिटिकली uh, एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा क्या बात है दिया ही नहीं क्या पहले स्ट्रक्चर देख लो इसका स्ट्रक्चर देख लो रिट्रोवायरस है ठीक है कोरस इसमें दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रेडर्ड आर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीज ये भी प्रेजेंट है ठीक है स्ट्रक्चर की बात करें रिट्रोवायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए का आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और प्रोटीज भी है ये इतना नहीं डायरेक्टली इसके बाद पैथोजेनेसिटी नहीं दिया सिम्टम्स दे दिया एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स दे दिया ठीक है चलो मैं आपको डायरेक्टली उसके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इसने ये यहाँ पर लैंग्वेज नहीं दिया है पैथोजेनेसिटी का मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है बच्चा आपका जैसे ही चलो ये मैं कैंसर की बात कराऊंगी क्योंकि मेरे को पता है आपको इससे समझ में आएगा नहीं लिख के मैं आपको क्लियर करूंगी तभी डिस्कस करेंगे फिर इसे ये ऑलरेडी चीजें डिस्कस्ड हैं एड्स का इस सिम्टम्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ ठीक है मैंने आपको लास्ट सेशन में इतना तो बताया था कि इसका विंडो पीरियड ही बहुत लंबा है तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो दो से दस साल तक तो ए सिम्टोमेटिक फेज रहता है यानी कि सिम्टम्स ही नजर नहीं आते तो पता ही नहीं चलेगा कि एड्स भी है दो से दस साल इसके ए सिम्टोमेटिक वेरी करता अलग अलग इंडिविजुअल विंडो पीन बता दी दो से दस साल तक का है ए सिम्टोमेटिक फेज देयर इज नो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट मतलब अगर आप जैसे शुरुआत में कोई सस्पेक्टेड है मतलब उसे लगा कई बार मतलब आपको डाउट हुआ कि यार ऐसा हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे एड्स का इंफेक्शन लग गया हो तो आप अगर तुरंत जाके टेस्ट कराओगे भी सही है तो टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए पॉजिटिव नहीं आया मान लो टेस्ट तो उसके बारे में निश्चिंत होना नहीं चाहिए रीजन क्योंकि शुरुआत के टाइम में क्या होता है देयर इज़ नो एंटीबॉडी एंटीबॉडीज ही नहीं बनती प्रोटेक्शन इन फर्स्ट दो से बारह वीक सो इन्फेक्टिव पेशेंट और एक्टिवनेस ऑफ वायरस इज मैक्सिमम इन दिस पीरियड मतलब दो से अभी सुनना क्या सस्पेक्ट हुआ मान लो शुरुआत के मैं दो से बारह हफ्ते की बात कर रही हूँ आपका एंटीबॉडी नहीं बनता है तो सबसे ज़्यादा वायरस जो है ना आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बने सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज में जो एच का जो वायरस होता है वो इन दो से बारह हफ्ते के दौरान रहता है लेकिन इस पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड क्यों क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपकी बॉडी में नो डाउट सबसे ज्यादा एक्टिव जो है क्योंकि बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया वो इसको शुरुआत में तो आपको पता ना रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है फिर हम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो कह रहा है इसमें इतना टाइम लगता है दो से बारह हफ्ते तक आपकी बॉडी में इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है ठीक है तो इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस जो है पेशेंट और एक्टिवनेस जो है वायरस का ये मैक्सिमम होता है इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहे पेशेंट में इसलिए इसको विंडो पीरियड कहते हैं विंडो पीरियड क्यों नो स्पेसिफिक सिम्टम अपियर इन दिस फेज इस वजह से आप इस दौरान अगर टेस्ट भी परफॉर्म करवाते हो एलिसा टेस्ट होता है ठीक है एलिसा टेस्ट करवाते हैं जैसे एड्स आपको सस्पेक्ट हुआ आपने एलिसा टेस्ट करवाया विंडो पीरियड के दौरान ही करा लिया टेस्ट आ गया नेगेटिव और आप हो गए निश्चिंत यार मुझे तो नहीं हो बाद में निकल जाता है तो एलिसा टेस्ट जो है विंडो पीरियड के दौरान नेगेटिव ही आता है कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है इट इज नेगेटिव इन द विंडो पीरियड विंडो पीरियड में एड्स का टेस्ट नेगेटिव ही आता है सबसे बड़ी दिक्कत इस डिजीज के साथ ये बहुत लंबे समय तक तो पता ही नहीं चलता अब देखो किसी को अगर लूज मोशन हो रहे हैं किसी को अगर मतलब उसका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है ये सारी चीजें हैं कोई बीमारी हो रही है खांसी जुकाम हो गया बार बार अगर दस्त लग रहे तो आप ये थोड़ी ना कि यही थोड़ी ना कंसेप्शन बनाओगे माइंड में कि एड्स आ गया तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम डिजीज के नहीं दिखते हैं शुरुआत के पीरियड में सिर्फ विंडो पीरियड कहते हैं ठीक है थीके? भले ही वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेज में है, दो से बारह वीक में लेकिन विंडो पीरियड चल रहा है आपके बॉडी के अंदर ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम ही दिखेंगे जिसको देखकर आप कह रहे हो कि यार एक बार टेस्ट करवा लें और बाय चांस मैं तो कह रही हूँ उसने करवा भी लिया उसको ऐसा लगता है अपने किसी एक्ट की वजह से कि हो सकता है मुझे एड्स इंफेक्शन लगा हो तो विंडो पीरियड के दौरान अलीसा टेस्ट इसका टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट है अलिसा जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे करवा भी लिया तो वो पॉजिटिव नहीं आता वो नेगेटिव ही आता है और पेशेंट निश्चिंत हो जाता है लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है रीजन आप कुछ टाइम बाद पॉजिटिव आ सकते हैं क्योंकि अलिसा टेस्ट विंडो पीरियड में नेगेटिव ही आता है अब जैसे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बता रहा है कि क्या होता है इसके अंदर फेस है माइल्ड फॉर्म ऑफ एच जो है जब बहुत कम ज्यादा नहीं है तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं हैं ना ये आपके हो जाते है. बार बार बुखार आता है रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया वेट लॉस और प्रोलॉन्ग कफ माइल्ड फॉर्म में बता रही हूँ यही होता है बस कि बार बार मतलब डायरिया लूज मोशंस बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा ठीक है फीवर आता है बार बार ठीक है कफ रहता है लंबे समय तक ये तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं यार इसमें मतलब कोई ऐसा भयंकर खतरनाक सिम्टम नहीं आ कि लोग एड्स के बारे में सस्पेक्ट करें लग जाता है यार आ, आ गया हुआ कुछ खाने पीने में ऐसा इसलिए डायरिया हो रहा है फिर आप चो डायरिया की वजह से ही वेट लॉस हो रहा है डायरिया होता है या फिर कोई भी स्टमक में इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से फीवर भी आता है तो आप सोच रहे हो इसीलिए हो रहा होगा एड्स ही सोच रहे जो माइल्ड फॉर्म है ना तो उसमें यही नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं लिम्फ नोड्स में स्वेलम स्वेलिंग हो जाती है फीवर्स आते हैं बार बार रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया और वेट लॉस होता है और बहुत लंबे समय तक कफ बना रहता है ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ एच के अंदर ठीक है पेशेंट बिकम फुल्ली इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंट इन दिस पीरियड अब क्या होगा आपके टी टीलिम्फोसाइट ये आपका फुल ब्लोन एड्स की बात कर रही हूँ मैं टी टीलिम्फोसाइड जो हेल्पर सेल्स हैं एज आई टोल्ड यू कि इनका काउंट गिर जाता है टू हंड्रेड टेन टू दावर दो सौ से भी ब्लोन आइज ये माइल्ड फॉर्म ऑफ एच आई डी था माइल्ड फॉर्म ऑफ एच आई डी में यह होता है जस्ट डायरिया के रिपीटेड एपिसोड होंगे वेट लॉस होगा फीवर आएगा लंबे समय तक कफ बना रहेगा ये सारे माइल्ड फॉर्म में एच फुल ब्लोन एड्स में क्या होता है अभी पर्सन पूरा का पूरा मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एड्स में दिक्कत क्या होती है इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है आपका बिल्कुल हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगते रहते हैं जिसको भी एड्स ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी कि जो वैसे उसे नहीं होता लेकिन एड्स की वजह से वो इन्फेक्शन भी उसे लगेगा क्यों इम्यूनिटी में कैपेबल ही नहीं है वो उसको उसके साथ फाइट करने के लिए तो फुल ब्लोन एड्स के अंदर पेशेंट जो है वो कंप्लीटली इम्यूनोडेफिशियंट हो जाता है क्योंकि टी हेल्पर सेल का काउंट नाइन से टू से भी कम रह जाता है नाइन से टू से भी कम रह जाता है लेस देन टू इसका काउंट रह जाता है ये होता है फुल ब्लोन एड्स के अंदर यानी कि पर्सन अभी हो गया है पूरा का पूरा इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंट तो फुल ब्लोन एड्स में क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या चीजें उसको देखेंगे ये देखो ट्यूबर क्लोसिस टीबी ट्यूबर क्लोसिस जो है ये फुल ब्लोन एड्स पेशेंट के अंदर होगा ठीक है कैंडिडियासिस ऑफ माउथ ईसोफेगस कैंडिडियासिस एक जो बीमारी है आप लोगों ने सुना होगा कैंडिडियासिस के बारे में ये उसके अंदर होता है निमोनिया जो है ये भी देखने को मिलता है निमोनिया भी होता है माइको Mycob... मतलब ट्यूबर क्लासिस भी हो गया निमोनिया भी हो गया कैंडिडियासिस भी हो गया हरपी सिंप्लेक्स के सोर्स ये भी हो जाता है स्किन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कपोसी सार्कोमा भी डिटेल में डिस्कस करूंगी ये सारी चीजें होती है क्यों कैंसर क्यों हो रहा है एक्चुअली ओंकोजीना आज ही के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में तो वहाँ क्लियर होगा ओंको वायरस का क्या रोल है तो एच जो है ये ओंको वायरस की एक्ट तरह एक्ट करता है तो इतनी सारी ट्यूबर क्लॉसिस भी कैंडिडियासिस भी आपका ठीक है आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स भी हो जाता है कैंसर्स भी हो सकते हैं ये सारी निमोनिया भी हो गई ये सारी डिजीजें उसको लगती रहती हैं ठीक है एड्स तो इन्सेफेलाइटिस बाय टॉक्सोप्लाज्मा ये भी इंसेफेलाइटिस भी हो जाता है तो ये सारे तो मोस्ट ऑफ़ द इन्फेक्शन आर ड्यू टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मैंने बताया ना ये क्यों लग रहे हैं ये सारी बीमारियां क्यों लग रही है वैसे शायद ना लगती लेकिन आपकी इम्यूनिटी हो गई है बहुत वीक तो अब हमारी बॉडी इसके साथ फाइट नहीं कर पा रही है इस वजह से ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी कि सारी बीमारियां उसे लगेंगी इस वजह से पर्सन की डेथ होती है एड्स के अंदर तो ये सारी तो इम्यूनिटी जो है ये बहुत वीक हो जाती है एज आई ऑलरेडी डिस्कस तो ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हर पीस सिंप्लेक्स क्या होता है हर पीस फैमिली का वायरस है पूरा डिटेल में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे यू नो नीड टू बी वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है ठीक है लास्ट सेशन तक का तो अच्छे से समझ में आएगा एड्स के अंदर अभी जो डिस्कस किया जस्ट कि सिम्टोमैटिक फेज एसिम्टोमैटिक फेज दो से दस साल तक रहता है ठीक है शुरुआत में जो दो से चौदह हफ्ते बारह चौदह हफ्ते में क्या होता है एक्टिव अपना क्योंकि कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर नहीं बनती तो वायरस बहुत एक्टिव स्टेज में होता है लेकिन विंडो पीरियड होता है इस दौरान अगर आप टेस्ट मतलब कोई सच सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं दिखते और अगर आप टेस्ट कराने भी जाएंगे एलिसा टेस्ट भी परफॉर्म किया इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट या आप टेस्ट भी परफॉर्म करवाओगे स्क्रीनिंग भी करवाओगे तो पॉजिटिव नहीं निकलोगे नेगेटिव ही होगे बट इट डजेंट मीन कि एड्स नहीं है एक्चुअली वो विंडो पीरियड के बाद टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तक टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो वो मतलब एक तरह से सूडो रिजल्ट बोल सकते हो आप

लास्ट सेशन में मोस्टली चीजें डिस्कस कर चुकी है बच्चा इसलिए वर्बली आपको बता रही कि आप अच्छे से कैच कर पाओगे तो इतना कम रह गया है एच का ये जो टी हेल्पर सेल का काउंट तो ये अभी फुल ब्लोन एड्स कंडीशन है अभी जो पर्सन है वो फुल्ली इम्यूनो और हो गया है उसका इम्यूनिटी नहीं है तो अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगेगा माइक्रोबैक्टीरियम मतलब ट्यूबर भी हो जाएगा कैंडिडियासिस भी हो सकता है हर पीज़ सिंपलेक्स भी हो सकता है कैंसर्स भी हो सकते हैं ये सारे इन्फेक्शन उसे लगने लगे कैंसर के लिए रीजन तो यह एच आई वी एस एन ओंको वायरस एक्ट करता है इसका डिटेल मैं कैंसर में डिस्कस करूंगी ओंको वायरस क्या है कैंसर किस वजह से होता है ओंकोजीन्स क्या है ये सारा डिटेल आज ही के सेशन में कैंसर में डिस्कस होगा तो मैं आगे प्रोसीड करूंगी तो ये सारी दिक्कतें होती हैं उस पेशेंट को तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगते हैं यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगते क्यों क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना केपेबल है कि वो उसके साथ फाइट कर लेगा लेकिन अब लगेंगे क्यों क्योंकि आपका इम्यूनिटी कैपेबल नहीं है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसे होते हैं इन्वेस्टिगेशन की बात करें एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक तो एलिजा टेस्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया लेकिन मैंने बताया ये नेगेटिव भी आ जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ना कि हाँ कन्फर्म हो जाता है यह है वेस्टर्न ब्लॉस्ट टेस्ट क्योंकि यह आपके क्या करता है पेशेंट के सीरम में बिच डिटेक्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है अगर पता लग जाएगा कि हाँ है या नहीं है तो इसके स्क्रीनिंग की बात करें तो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो आ, इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिन टैसे टेस्ट तेस, एलिसा टेस्ट भी है और वेस्टर्न ब्लॉट भी है क्वेश्चन आ जाए बेटा तो गलत मत करना कन्फर्मेटरी टेस्ट जहाँ पर वो वर्ड यूज कर लेना कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है तो ये वेस्टर्न ब्लॉट इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है ठीक है एलिसा भी है लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है तो ये आपको ध्यान रखना है ट्रीटमेंट की अब बात करें ट्रीटमेंट पार्ट की हम बात करें कि क्या ट्रीटमेंट आप इसको देंगे पेशेंट को तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स इसमें दवाइयों के नाम याद रखना व्यूड्यून व्यूड्यून करके तो आराम से याद रहेंगे जायडो जायडोव्यूडीन स्टेव्यूडीन ट्राइजिविर डी डी आई डाइडिडिन एंड फॉस्कानैट इसमें स्पेशली असाइक्लोवीर दे रखा है क्या यहाँ पर कहीं असाइक्लोविर ने दे रखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जाइडोविडीन स्टेवडीन और प्राइजीविर यह नाम याद रखना यह आपको याद होनी चाहिए देखते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज इनिबेटर में तो ये देते हैं प्रोटीज क्योंकि इसमें इंजाइम कौन कौन से था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर इंजाइम था ना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज इनिवेटर दे दिया प्रोटीज एंजाइम मैंने डिस्कस किया था तो प्रोटीज इनिबेटर में राइटोविन एलिफेंटनाविर ये सब देते हैं विर विर आ रहा है ना आपको याद रह जाएंगे ये याद रह जाएंगे ये ट्राइजविर और ये यूडून व्यूडीन आ रहा है स्टाव्यूडीन जायडोव्यूडीन ये याद रह जाएगा इसलिए आराम से तो ये सारी दवाइयाँ जो है इसके अंदर दी जाती है अभी आपने देखा होगा अभी कोरोना के उसके लिए भी इनका कुछ कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है ये वाली एड्स की भी कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है उसके अंदर जो कार्ड इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई दवाई नहीं बनी तो कॉम्बिनेशन यूज़ करके देख रहे हैं सब इसका कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है इसका भी एक डोज मिलाया जाता है उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये ये चीज़ें मेरे हिसाब से क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हम डिस्कस कर चुके थे बस आपका विंडो पीरियड कितना रहता है एलिसा टेस्ट है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट है लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फिर हमने बात की इसका एसिम्टोमेटिक फेज में क्या होता है आपका माइल्ड एच में क्या होता है फुली ब्रोन एड्स के अंदर क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपके सिम्टम्स के बारे में आपके साथ आज के शासन में डिस्कस कर लिया है बच्चा ठीक है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है आवाज़ कम आ रही है क्या बच्चों यार मेरे हिसाब से तो एक सेकेंड एम आई प्रॉपरली ऑडिबल गाइज यार आवाज़ तो सही होनी चाहिए हाँ जी ठीक है तो ये सारा इसका स्क्रीनिंग ये हाईली एक्टिव एंटी रिटरो वायलस थेरेपी ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एनीबेटर और प्रोटीज एनीबेटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज है लेकिन ट्रीटमेंट ये भी देखो ट्रीटमेंट एच एड्स के बारे में आपने सुना होगा इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है ये ट्रीटमेंट देने से हम पेशेंट की जिंदगी को बस थोड़ा सा उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं उसे बचा नहीं सकते अभी तक इसका कोई ड्रग कोई ऐसा वैक्सीन कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली है जो इसे पूरी तरह से क्योर कर दे हम सिर्फ और सिर्फ इन ट्रीटमेंट के थ्रू उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता हम सिर्फ इन ट्रीटमेंट से इन मेडिसिन से सिर्फ पेशेंट की लाइफ अगर 10 साल है तो उसे 12 साल कर सकते हैं मतलब पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं ट्रीटमेंट इज़ ओनली पर्टिकुलर इफेक्टिव ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट इट can't प्रिवेंट डेथ ये death को नहीं रोक सकता ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर क्लियर है बेटा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एड्स पे, पेशेंट के अंदर कि ये नहीं हुआ है ठीक है तो इसीलिए क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं मेरे बच्चों ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं एज आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहे हैं ना सिर्फ इन्हीं से प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो हम सिर्फ पेशेंट की लाइफ को प्रोलोंग कर सकते हैं हम उसे बचा नहीं सकते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन दिस केस तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का भी सेटअप किया गया हेल्थ 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 फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे एन चलते हैं जो uh, जहाँ पर जो ऐसे एरियाज ना ब्लड स्क्रीनिंग रेगुलरली करवाई जाती है प्रॉस्टिट्यूशन बिकॉज प्रॉस्टिट्यूशन भी इसको बढ़ावा देता है बिकॉज मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होते हैं एक प्रॉस्टिट्यूट को अगर एड्स है तो कितने लोग वहां जाते होंगे वो उन सब में फैल सकता है तो बैन ऑन प्रोस्टिट्यूशन इट इज वन ऑफ द थिंग ठीक है सेफर सेक्स बाय यूज ऑफ ठीक है अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टेक्ट ना करना एंड अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ कॉन्डम्स बिकॉज यही आपको उससे बचा सकता है तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना प्रॉस्टिट्यूशन को बैन कर देना और एज आई टोल्ड यू यहाँ पर नहीं लिखा है बट इट इज ऑल्सो इट शुड बी मैंडेटरी इट्स नॉट ओनली अबाउट द एच बहुत सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है मैंने आपको लास्ट सेशन में एक एग्जाम्पल भी दिया था एस एम एस मेडिकल कॉलेज लाइव एग्जाम्पल मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट मैं बता रही थी बिल्कुल सही चीज़ थी वो कि बताया ना उसकी वाइफ की डेथ हो गई ड्यूरिंग द डिलीवरी तब उसे पता लगा कि शी इज़ सफरिंग शी इज़ हैविंग एड्स तो वो इन्फेक्शन उसको उसमें भी ट्रांसफ़र हुआ अननोइंगली उसे पता भी नहीं था इस बारे में उसके मरने के बाद उसे पता लगा कि इसको एड्स था तो हस्बैंड को भी ट्रांसफ़र हो गया इसीलिए शादी करते वक्त कुंडलियां मिलाना जितना ज़रूरी है ब्लड स्क्रीनिंग भी उतना ही ज़रूरी है पता लगे कोई ऐसी बीमारी उसको हो जो वो आपको गिफ्ट कर दे तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल जितना कुंडली मिलाना ज़रूरी है ब्लड स्क्रीनिंग भी उतना ही ज़रूरी है तो अभी एटलीस्ट आप ही तो हमारे देश का आने वाला भविष्य हो तो आप लोग जब इस फेज में जब एंटर करें तो सिर्फ कुंडली मत मिलाना ब्लड स्क्रीनिंग भी करवाना सामने वाले की ठीक है वो बहुत ज़रूरी है तो एंड यूज ऑफ डिस्पोजेबल्स क्योंकि शिरिंजेस वगैरह से फैलता है तो डिस्पोजेबल यूज करो यूज एंड थ्रो तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हाँ ये एक से दूसरे में फैल सकता है और मैंने आपको बताया था रेजर वगैरह जो नाई की दुकानों पे आप लोग जाते हो ना तो बी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि हाँ वो यूज़ करके फेंकी रहा है ऐसा नहीं कि एक को किया गया बस साफ़ किया फिर वही उसी से आपके साथ शुरू हो गया तो रेजर्स, ब्लेड्स और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इनका स्टरलाइजेशन मस्ट है क्योंकि नो बडी नोज कोई ये बैनर लगा के नहीं घूमता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज कोई आपको आगे आके बताएगा नहीं यू हैव टू टेक ऑल द मतलब आपको ही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं आपको ही सारे मेजर्स लेने हैं उससे बचने के कोई बोर्ड लगा के नहीं घूमेगा कि आई हैव एड्स आई हैव है टाइटस आई हैव दैट एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और दैट ट्रांसमिसेबल डिजीज नो बडी विल टेल यू तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशिव मेजर्स ठीक है और एड्स पेशेंट एज ए ट यू जितने भी मिसकनसेप्शन हैं आधा तो आदमी डिप्रेशन में मर जाता है भाई कि उसको सोसाइटी से अलग थलग नहीं करना होता है ठीक है क्योंकि एड्स हाथ मिलाने से गले लगने से साथ में बात करने से खाना साथ खाने से नहीं फैलता है ये सिर्फ बॉडी फ्लूड से फैलता है तो इनको सिंपती की जरूरत है भाई ऐसा नहीं हम सोसाइटी से ही कट ऑफ कर दें तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशंस के लिए हम लोग यूज़ में ले सकते हैं ठीक है ये सारा ऑलरेडी हो चुका देखो ना एज एड्स इसका कोई इलाज तो है नहीं प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन दिस केस एच आई वी इन्फेक्शन ये मैंने बताया कॉन्शियस बिहेवियर इट इज नॉट समथिंग जो मतलब उससे आपको लग सकता है लेकिन ये नहीं लगता यार ऐसे एच आई वी नहीं होता है ऐसे तो इसमें इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है ये सारा उसी के ऊपर दे रखा है आप एक न्यूज पेपर रीडिंग लगा के कर सकते हैं इट इज ऑल अबाउट द एड्स माई डियर स्टूडेंट तो सारी चीजें हम लोग देख चुके एड्स के अंदर

कुछ टाइम बाद आ सकता है दो से दस साल है इसका विंडो पीरियड इतना जबरदस्त है और एड्स पेशेंट में डेथ का जो मेन कारण है ना वो है ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो गई हर क्लासेस भी हो गया कैंडिडियासिस भी हो गया निमोनिया भी हो रहा है सारी बीमारियां आपको लगती है जो नॉर्मली शायद ना लगती ठीक है ठीके? कैंसर क्योंकि ऑंको वायरस की तरह करता है एच तो ये सारी बीमारियों की वजह से डेथ होती है और रही बात ट्रीटमेंट की तो सिर्फ मतलब हम सिर्फ पेशेंट की लाइफ को ही प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ट्रीटमेंट मैंने बता दिया रिवर्स ट्रांसक्रेप्टेज एनीबेटर प्रोटीज एनीबेटर और दोनों का कॉम्बिनेशन हार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम देते हैं बट इट जस्ट प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट हम पेशेंट की जिंदगी नहीं बचा सकते इसीलिए प्रिवेंशन इज इस द बेस्ट ऑप्शन इसका कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का तो मैंने बताया जैसे कुंडली का मिलाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ब्लड स्क्रीनिंग करवाना दूसरी चीज़ एज आई टोल्ड यू और ये होना चाहिए ये भी एक कल्चर बन जाना चाहिए और आप मेरी आने वाली जनरेशन हो इसलिए मैं आपको ही बोल रही हूँ शुड बी अ कल्चर लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ दिक्कत क्या है हम तो सेक्स वर्ड यूज़ ही नहीं कर पाते हैं तो शादी के पहले कुंडली मिला रहे तो आप ये बोल कैसे सकते हो कि ब्लड स्क्रीनिंग करानी है क्यों करानी है साहब मुझे इसलिए करानी है कि, करा 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 कि कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये मेरे को ना दे दे इसलिए तो ये जो एक कुछ ऐसे टैबूज जो है हमारी सोसाइटी के अंदर उस वजह से ये चीज खुल के नहीं आ पाती लोग सोचेंगे अरे क्या लड़की है या फिर क्या लड़का है क्या सोच रखता है क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी है मतलब ये कुछ मिथ्स है कुछ टैबूज है हमारी सोसाइटी के अंदर हम सेक्स के बारे में इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं तो ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में कैसे करें और जिससे आपका रिश्ता जुड़ने वाला है आप उससे कैसे करें अरे यार ये टैबूज क्या करेगा कोई अगर आपकी ज़िंदगी खराब कर नो बडी नोज़ कि कहाँ से क्या चीज़ आया हो और मैंने बताया ना जरूरी नहीं है कि मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हो तभी एड्स होता हो बहुत सारे रीजंस हैं ना इसके हमने डिस्कस किया तो बिल्कुल कोई कुछ भी सोचा और सिर्फ एड्स नहीं और भी बहुत सारी एसटीडीज हैं जो आपको लग सकती है तो बिल्कुल ब्लड स्क्रीनिंग इज़ अ मस्ट थिंग ये एक होना चाहिए फिर फिस्टरलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स ऐसा आई टोल्ड यू कि डेंटल वगैरह और ये और भाई डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इसलिए जो बोलते हैं ना ग्लव्स पहन के ग्लव्स तो पहनते हो आप सर्जरीज करोगे बिना ग्लव्स के तो नहीं करोगे ऑब्वियस सी बात है हेड कैप भी पहनते हो ये जो मास्क वगैरह जो लगाना जो होता है इस तरह की सर्जरीज है यस बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ क्योंकि कोई पेशेंट आके एज आई टोल्ड यू ना कोई पेशेंट आके नहीं बोलेगा स्पेशली डेंटल सर्जन हेपेटाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं वो तो खैर परमानेंटली वैक्सीनेशन लगवाते हैं हर छः महीने में वैक्सीनेशन करवा के रखते हैं उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है तो ये आपको भी प्रिकॉशंस एज ए डॉक्टर आपको भी प्रिकॉशंस लेने जरूरी है तो प्रिकॉशन इज द बेस्ट थिंग इन इन दैट पर्टिकुलर केस ठीक है इट इज ऑल अबाउट द डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अबाउटेंट अबाउट द कैंसर कैंसर क्या है अभी आपने देखा होगा अभी हम जब रीजन पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा चलो कैंसर बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपने देखा होगा अभी बॉलीवुड के अंदर आप देखो इसको कैंसर अभी किस किस को कैंसर निकला सोनाली बेंद्रे को था और किसको था अभी सोनाली बेंद्र रिसेंटली इसका लाइक उर्मिला मातोड़कर और अभी जिनकी डेथ हो गई क्या नाम है उनका नवाज शरीफ क्या मेरे को नाम अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है जिनकी अभी डेथ हुई ठीक है गैंगस्टर जैसी मूवीज गैंगस्टर में नहीं कौन सी मूवी थी उनकी समझ गए होंगे आप मतलब बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत कॉमन नहीं हो गया ऋषि कपूर इनको ये कैंसर क्यों ऐसा हो जाता है इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोन होता है इनका कुछ लाइफ स्टाइल है उसके लिए तो आप अभी अब हम जब पढ़ेंगे ना कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं रेडिएशन ये लोग इतने सारी सर्जरीज करवाते हैं रेडिएशन्स के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं ये जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है इनका अपने लुक्स को मेनटेन करने के लिए ये आपके कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिटेल में आज हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को और एक्चुअली कैंसर है क्या देखा जाए तो कुछ भी नहीं आपकी किसी सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है एक्सेसिव ग्रोथ हुई चली जा रही है उसी को तो हम कैंसर कहते हैं इट इज अनकंट्रोल्ड और द एंड द एक्सेसिव डिवीजन एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है एक्सेसिव डिवीजन हो रहा है सेल का यही कैंसर है कैंसर बहुत सिंपल सी चीज है देखा जाए तो लेकिन भाई इलाज हमारे पास भी नहीं है अभी तक भी बहुत वनरेबल चीज है ये क्या है कैसे है और एक चीज और बताऊं हम ये सारे फैक्टर्स ज़रूर पढ़ते हैं कि ये फैक्टर्स एक्स रेज हैं ज़्यादा रेडिएशन्स हैं टोबैको है स्मोकिंग है हम ये जो सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है लेकिन एक्चुअली इसके लिए जो ऑंकोजीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना कैंसर के लिए मैं जस्ट पहले आपको बेसिक पूरा नॉलेज दू पूरा कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करेंगे फिर ही बाद में देखेंगे ऑंकोजीन होता है बेटा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक चीज़ और सुन लो ऑंकोजीन ये नहीं है कि सिर्फ कैंसर वाले बंदे में ही प्रेजेंट होता है हम सबके अंदर प्रेजेंट है ऑन्कोजीन लेकिन इनएक्टिव स्टेज में होता है ये एक्टिव नहीं होता ये अगर एक्टिव हो गया तो इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इंपॉर्टेंट चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है तो कैंसर जो है ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर ऑन्कोजीन की वजह से होता है और ऑन्कोजीन हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट है सबके पास है हमारे पास लेकिन वो एक्टिव नहीं है एक्टिव करने में कौन कौन से फैक्टर्स है दे आर द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर प्रेजेंट सबकी बॉडी में होता है लेकिन इनएक्टिव स्टेज में होता है अगर ये ऑंकोजी कुछ फैक्टर्स होता है ना एक्सरेज रेडिएशन के ज्यादा एक्सपोज फिजिकल फैक्टर्स है कुछ केमिकल फैक्टर्स है बहुत सारी चीजें हैं ये इसको एक्टिवेट कर देते हैं अगर ऑंकोजीन एक्टिवेट हो गया तो कैंसर हो सकता है ठीक अब कैंसर क्या मैंने बताया किसी भी मतलब किसी भी सेल का अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड अब नॉर्मल और एक्सेसिव डिवीजन अगर हो रहा है उसके अंदर दिस इज द कैंसर इट इज द अनकंट्रोल्ड अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव डिवीजन ऑफ द सेल इसे एज यू गाइज ऑलरेडी नो जिस भी वर्ल्ड के पीछे लॉजी लग जाता है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ और ऑंको इज रिलेटेड टू द कैंसर तो स्टडी ऑफ कैंसर इट इज द ऑंकोलॉजी एंड एज आई टोल्ड यू द अबनॉर्मल एंड अनडिफ्रेंशियटेड सेल्स को ही हम कैंसर सेल्स कहते हैं अब सुनो आप लोगों ने सुना होगा मतलब एक्चुअली बच्चे जब ट्यूमर्स होते हैं ना न्यू प्लाज्म न्यू मतलब न्यू ग्रोथ को बोलते हैं ट्यूमर ऑफ टाइप्स ऑफ ट्यूमर एक तो बेनाइन ट्यूमर एक मेलेगनेंट ट्यूमर है मेलेगनेंट ट्यूमर दे आर द कैंसरस वन मेलेग्नेंसी उसकी वजह से होती है आपने एक चीज सुनी होगी हम लोग सर्जरीज करवाते हैं दिक्कत क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको सर्जरीज करवाते हैं अपन जैसे कोई किसी को मान लो ट्यूमर इंडक्ट हुआ कि भाई कैंसर सेल यहाँ पर प्रेजेंट है सक्सेस रेशियो क्यों नहीं है मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें दिक्कत क्या है पता है आपको न्यूरो ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के दस क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एज आई टोल्ड यू ही इज एन एनेस्थेटिक सात सात आठ आठ दस दस घंटे ऑपरेशन चलता है ब्रेन न्यूरो के ऑपरेशन वैसे भी बहुत लॉन्ग टाइम के होते हैं जब भी वो मेरे को पता है जब भी उनकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है तो मतलब एक एक ऑपरेशन में गया सात से आठ घंटा कई बार दस दस घंटे भी लग जाते हैं इतने लंबे ऑपरेशन डॉक्टर परफॉर्म करते हैं न्यूरो के ठीक है तो मैं आपको बता रही थी कि न्यूरो में क्या दिक्कत है जैसे एक ट्यूमर्स होता है ना इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ कैंसर का क्यों अभी तक हमारे लिए वो इलाज पॉसिबल नहीं कि पता लग गया भाई यहाँ पर कैंसर है यहाँ पर ट्यूमर है तो उस पर्टिकुलर एरिया को निकाल के फेंक दो ना यार क्या दिक्कत है दिक्कत ये है इसके अंदर इसमें ट्यूमर भी दो टाइप के हैं बिनाइन एक मेलेग्नेंट बिनाइन इज नॉन कैंसरस वन इसका रिमूवल आपने किया ट्रीटमेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मेलेग्नेंसी नहीं कॉज करता क्यों नहीं करता ये मैलेग्नेंसी कॉज बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है बेटा जिस जगह पर ये है ये उसी जगह पर रहता है ये वहां से कहीं और मूव नहीं करता है ब्लड के थ्रू ठीक है उसका सेल जहां है वहीं रहेगा वहां से कहीं और नहीं जाएगा मेलेग्नेंट ट्यूमर यार एक सेल कितना छोटा सा होता है मान लीजिए आप इमेजिन करके देखो आप सर्जरी कोई परफॉर्म कर रहे हो ठीक है ब्रेन ट्यूमर की बात करूं ब्रेन में मान लीजिए यहां पर कहीं जगह पर आपका ये कैंसर सेल है ठीक तो, के है पहली चीज तो ब्रेन न्यूरो के केसेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो हमारा ब्रेन है ना अभी तक हम इसका 20 परसेंट पार्ट भी नहीं स्टडी कर पाए हम इसके 20 परसेंट पार्ट को भी नहीं जानते हैं पूरी तरह से तो इसको खोलना और इसको टैकल करना ही बहुत भारी काम है हमारी जो इतनी डेवलप्ड साइंस है अभी तक भी हम इस ब्रेन के 20 परसेंट हिस्से को भी नहीं जान पाए हैं इट इज़ दैट मच कॉम्प्लिकेटेड तो आप जिस चीज़ में हार्ट डाल रहे हो ना आपको बीस चीजें ही पता है मान के चलो उसकी अस्सी चीज़ों का तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या है प्लस इतना नर्व कॉम्प्लेक्स ऐसे 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 होता है मतलब इतना ज्यादा नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है आपको पता भी है ना तो आप ये ऐसे ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स है पता लगा क्या होता है आपको पता है कॉम्प्लिकेशन क्या है पेशेंट मान लो उसको ट्यूमर है मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल ये लाइव एग्जाम्पल आपने देखा होगा प्राइवेट क्लिनिक वाले मोस्टली ट्यूमर वाले केस में हाथ नहीं डालते क्यों नहीं डालते मैं रीजन बता रही हूँ अच्छा गलती पेशेंट की भी नहीं है लेकिन डॉक्टर की भी नहीं है लेकिन पेशेंट को पता नहीं कई बार आपने सुना होगा मैं तो फलाने हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया था ट्यूमर था उसको सिर्फ डिटेक्ट हुआ था उसे ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहा मेरे को सिर्फ सरदर्द ही हो रहा था लेकिन पता लगा डॉक्टर ने पता नहीं क्या मनूसियत करी मैं गया इलाज कराने उसने पता नहीं क्या किया वो तो निकला नहीं निकला भगवान जाने पहले तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सरदर्द ही होता था सिर्फ यही मेरे को दिक्कत थी और कोई ऐसी खासी दिक्कत मुझे नहीं थी उसे वो क्योंकि उस टाइम सिम्टम नहीं आ रहे बाद में क्या तकलीफ होने वाली है उसको अंदाज़ा नहीं है बट पेशेंट तो जो एक्सपीरियंस करेगा वही बोलेगा डॉक्टर ने पता नहीं क्या करा इसकी तो याददाश्त ही चली गई उसके बाद से होता है और ऐसा डॉक्टर ने पता नहीं क्या करा इसको आंखों से कम दिखने लग गया है उसके बाद से होता है ऐसा ये भी मैं आपको बता दूँगी ऐसी चीज़ नहीं है पहले सिर्फ दर्द होता था अभी ही चली गई पहले सिर्फ सर दर्द होता था अभी तो मेमोरी चली गई पहले सिर्फ सरदर्द होता था अभी बॉडी एक, एक का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है वो वो स्टेज में नहीं वो नहीं है है सेंसेशन तो सारा ब्लेम डाल दिया जाता है डॉक्टर के ऊपर बट एग्जैक्टली ये तो मैं आम जनता की बात कर रही हूं अब आप एज अ डॉक्टर प्रोस्पेक्टिव देखो सिनारियो होता क्या है exactly बट कोई समझेगा नहीं उसे ठीक है हम भी उसकी जगह होते तो नहीं समझे बट डॉक्टर परस्पेक्टिव देखो गलती डॉक्टर की नहीं है एक्चुअली ट्यूमर्स इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर आपको पता है जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर होगा अपने ब्रेन के अंदर सारी नर्व सप्लाई सब कुछ वहाँ वहाँ सारा कुछ कंट्रोल हाइपोथालिमस वगैरह सब कंट्रोल्ड वहीं से होता है तो जो चीज़ आपकी वोकल कॉर्ड को बोलते हैं अपन जिससे वो नर्व भी वहाँ से जा रही है दिखाई जहाँ से ऑपथालमिक नर्व ये भी यहाँ पर है जो बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है सेंसेशन एंड ऑल एक्टिविटी को वो भी वहीं से जा रही है तो अगर इस ट्यूमर को एलिमिनेट करते वक्त एक हाथ नर्व भी डैमेज हो गई और जो मैंने बताया ये में डैमेज हो गया तो उसको भले ही बाद में दिक्कत होती लेकिन अभी वो उस स्टेज में नहीं आया तो उसे ही नहीं पता लेकिन वो आपको ब्लेम करेगा कि आंखों की रोशनी चली गई मेमोरी चली गई या फिर एक पार्ट का हिस्सा रह गया और अभी बोलने में भी तकलीफ है तो इसीलिए डॉक्टर्स इतने मतलब बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेटेड केस होते हैं ना तो आप देखते होंगे रेफर ही करते रहते हैं वो लोग वो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है या तो फिर आप पहले ही बोल दो कि देखो भाई और लेकिन आ, मैं आप मैं बताऊँ आप पेशेंट को ये चीज़ बोलोगे तो आधे लोग डर जाएंगे वो नहीं करवाएंगे कि भाई जब तक उसे बहुत ज़्यादा सिम्टम उसके नहीं आ रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ उसे नहीं हो रही कि भाई ये सब प्रोबेबिलिटी अच्छा जितने भी न्यूरो केसेस होते हैं ना जब वो इस तरीके के होते हैं बिल्कुल डॉक्टर बोल देता है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन भैया हो सकते हैं अब करवाना है ऑपरेशन तो साइन कर दो तो ही मैं ऑपरेट करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा रीजन मैंने बताया ना ये दूसरी चीज सक्सेस रेट बहुत कम है कई बार आप सोचते होंगे पता नहीं क्या डॉक्टर है सुना होगा आपने ट्यूमर था गया मैं इलाज करवाने फिर हो गया पता नहीं क्या करते हैं लूट मचा रखी है डॉक्टरों ने तो पता नहीं क्या करते अरे भाई उसका भी रीजन सुनो ये तो एक आम जनता की राय नॉर्मली सुनो एक सिंगल सेल कितना होता है? एक इतना बड़ा ट्यूमर था मान लो इतना बड़ा नहीं होता मतलब जस्ट बेक एग्जाम्पल आप कर रहे। इतना बड़ा ट्यूमर था मान लो ठीक है आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं ये डॉट बराबर का सेल रह गया एक डॉट बराबर का सेल एक सेल यही तो है एक डॉट है इसके सामने ये रह गया ये पूरा एलिमिनेट कर दिया लेकिन वो पेशेंट जो आपको गालियां सुना रहा है ना कि दोबारा हो गया आपने सात घंटे वहां पर झकनी मर ही है सात घंटे आपने उस ऑपरेशन को सात से आठ घंटे मैंने बताया न्यूरोस के केस होते इतने लंबे हैं सात आठ घंटे आपने ऑपरेट किया लेकिन एक सेल छूट गया एक सेल छूट गया ना बेटा ये दोबारा से ये ट्यूमर बना लेता है एक सेल होता है मल्टीप्लाई करता है ट्यूमर बना लेता है इज़ द कॉम्प्लिकेशन इन दिस और वो भी अगर मैं न्यूरो की बात कर लूँ बार 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 आप ब्रेन खोल के सर्जरी नहीं कर सकते हो एक लिमिट होगी यार एक बार खोल लिया दो बार खोल लिया तीन बार इसके इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं तो ये सारी ना शायद आप इसका कॉम्प्लिकेशंस अभी समझ रहे होंगे कि क्या होता है और जो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं अरे डॉक्टर्स तो बिल्कुल आंखें गड़ा के आठ आठ घंटे लगा रहता है लेकिन एक सेल भी छूट जाती है छूट जाती है यार एक सेल भी छूट गई तो काम तमाम अब एक और चीज़ अब मैंने बताया ट्यूमर्स लेकिन दो टाइप के हैं ये तो फिर भी एक सही बात अब मान लो कोई तकलीफ लेकर आया आपको यहाँ पर कि भाई गले में है या फिर यहाँ पर है पेट में है हाथ में कहीं पर भी आपने उस पर्टिकुलर पार्ट को तो कर दिया सॉल्व

As I told you, they are localized to the site of origin, does not spread to another part of body this is the ek achhi cheez hai अच्छी चीज है to तो फिर भी थोड़ा इतना tension लेने वाली बात नहीं होती sorted हो जाता है मामला हो जाता है Brain में थोड़ा सा dikkat aata है baki फिर भी बहुत हद तक sorted हो जाता है ब्रेन में भी इनिशियल स्टेज में पता लग जाए बहुत ज्यादा ना बड़ा हो तो बिल्कुल हम उसे भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं लेकिन

जैसे कि बॉन ट्यूमर ऑस्टियोमा मायोमा है मायो इज फॉर द मसल्स तो मायोमा लिम्फोमा नाम से पता ओमा वर्ड यूज करते हैं सार्कोमा नहीं अभी आएगा ये टर्मिनोलॉजी भी सुनना ओमा यूज कर रहे हैं बिनाइन ट्यूमर के लिए बोन इज फॉर द ऑस्टियो ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं तो ऑस्टियोमा मसल्स के लिए मायो myo, तो मायोमा लिम्फनोड्स के लिए लिम्फो lympho, तो लिम्फोमा लिम्फोमा ये सारे आपके ट्यूमर्स है बेनाइन ट्यूमर्स विच इज नॉन मैलिग्नेंट नॉन इन्वेसिव सरस एक जगह पर है सिर्फ वही रहेंगे वहां से दूसरी जगह नहीं मूव करते नॉन मेटास्टाटिक टाइप है अनादर वन माइ डियर स्टूडेंट इट इज अग्नेंट कैंसर जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि यह जानलेवा है यह एक जगह से दूसरा बॉडी पार्ट में मूव कर जाता cancerous है कैंसरस है सुनिए सम ऑफ द कैंसरस सेल डिटैच फ्रॉम दियर ऑरिजिन प्लेस एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी बाई ब्लड एंड लिम्स एक जगह का पता लगा उसका सर्जरी करवाया पता लगा दूसरी जगह हो गया क्यों? क्योंकि इसका सेल ओरिजिनल प्लेस से डिटैच होके ब्लड के थ्रू लिम्फ के थ्रू दूसरे पार्ट में पहुंच जाता कितनी सर्जरीज कहाँ कहाँ करवाओगे एक जगह करवाया वहां से गया दूसरी जगह दूसरी से तीसरी जगह ये इसकी दिक्कत है मलेग्नेंट कैंसर की एक सेल जो होती है ऑरिजिन जहां पर है उसको ट्रीट करवाया नहीं कि वो एक सेल जाके दूसरी जगह कैंसर सेल प्रोड्यूस कर देगी ये दूसरी जगह कर देगी तो ये दिक्कत होती है इसके अंदर ठीक है नाउ द द सेल फॉर्म फ्रेश कॉलोनीज टोल्ड यू ना कि वो एक सेल ब्लड के थ्रू मूव ऑन हो गई किसी दूसरे बॉडी पार्ट में वहां पर वो एक फ्रेश पूरा नया कैंसर सेल पर डेवलप कर लेगी ठीक है दिस इज कॉल्ड द मेक्टास्टैसे क्योंकि मूव कर रहा है और द सेकेंडरी ग्रोथ एंड दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इसे हैं tumor, कहते हैं। और जितने भी मैलेग्नेंट ट्यूमर है सब होते हैं। समझ में आया तो बिना तो लेकिन मैलेग्नेट malignant... अब आप सोचो एक कॉमन मैन नहीं बिकॉज यू आर ऑल गोइंग टू बिकम डॉक्टर एक कॉमन मैन नहीं एक डॉक्टर अप्रोच लगाओ स्पेश तो मैंने चलो बाकी किसी बॉडी पार्ट का हो ना तो बिनाइन ट्यूमर ठीक है कम खतरनाक है पता लगा डिटेक्ट हुआ कि भाई यहाँ पर ट्यूमर है हमने सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया पर, पर से पेशेंट परफेक्टली फाइन हो जाता है आपने देखा होगा हमारे देश में न्यूरोसर्जन बढ़िया नहीं है अरे न्यूरोसर्जन नहीं भाई उस डॉक्टर की गलती नहीं है आप ब्रेन का स्ट्रक्चर तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है पूरी दुनिया के अंदर ब्रेन को 20 परसेंट से ज्यादा आज तक हम नहीं जान पाए तो उस डॉक्टर के पास भी उतरे बीस परसेंट पार्ट को ही जानता है इसके अलावा नहीं जानता प्लस इतने सारे नर्व कॉम्प्लेक्सेस और सारी बहुत इंपॉर्टेंट आपको फिलहाल लग रहा होगा बिनाइन ट्यूमर इनिशियल स्टेज वो लेकिन ट्यूमर इतना बड़ा आपके उसके अंदर हो गया है अगर आप नहीं भी आते मान लीजिए ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वो सेल का साइज बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता वो ब्रेन का जो जो हिस्से के अंदर पहुंचता था, था उस हिस्से को डैमेज करते वो रीजन से जो एक्टिविटीज कंट्रोल होती है वो सब आपकी खत्म होती जाती लेकिन लेकिन पेशेंट पहले आ गया उसको इतने सिम्टम्स नहीं आ रहे अभी उसको हल्के फुल्के सिम्टम्स है सर दर्द हो रहा है बस तो उसके लिए वो मतलब वो नॉन मेडिको बनता है उसको नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशन है आ सकते थे आते वो तो आगे अभी तो कुछ नहीं आ रहा था लेकिन मैंने ट्रीटमेंट कराया मेरी आंखें चली गई लेकिन मैंने ट्रीटमेंट कराया बंदे की याददाश्त चली गई मैंने ट्रीटमेंट कराया मेरा आधा बॉडी के अंदर पैरालाइसिस हो गया तो सारा ब्लेम आता है डॉक्टर के ऊपर कि क्या किया इस बंदे ने अच्छा खासा था अच्छा खासा चल के आया था हमने तो ट्रीटमेंट के लिए आए थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइल्ड हेडेक ही होता था सर दर्द थोड़ा बढ़ गया था हमें पता लगा बेनाइन ट्यूमर है हमें लगा सर्जरी करवा लेनी चाहिए रिमूव करवा लेना चाहिए इसीलिए हम आए बट इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं यही 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 वर्डिंग्स होती हैं मैं मेरे हस्बैंड क्योंकि भुगत भोगी है ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं तो कम से कम ये तो देखने को नहीं मिलता लेकिन बेटा डॉक्टर की गलती नहीं होती मैंने आपको बताया इसीलिए प्राइवेट क्लिनिक वाले तो हाथ ही नहीं डालते अधिकतर ठीक है ही इज़ पोस्टेड इन एस एम एस मेडिकल कॉलेज जयपुर नाउ ही इज़ इन कोटा तो मैं बता रही हूँ आपको कि तब वहाँ पर अब वहीं जाते हैं गवर्नमेंट वाले सुनते हैं सारी गालियाँ है इन चीज़ों में न्यूरो न्यूरोसर्जरीज के केस प्राइवेट क्लिनिक्स वाले बहुत कम लेते हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो नहीं हाथ डालते क्योंकि हॉस्पिटल का नाम खराब होता है उससे तो क्या उसके साथ लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि वो दिक्कत क्या थी दिक्कत ये थी एक तो आप ट्वेंटी परसेंट पार्टी जानते हो दूसरी चीज वो ट्वेंटी परसेंट पार्ट जानता है लेकिन वो हाथ भी उसी में डालता है मैं आपको ये भी बता दूं इतने सारे नर्व्स हैं यार एक हाथ डैमेज हो जाती है ठीक है कितनी बारीकी से करोगे और रिकरेंस सबसे ज्यादा तगड़ी इसमें क्यों एक क्योंकि आप क्या करोगे अब जैसे आप एज अ डॉक्टर आप एक इमेजिन करो आपको पता है कि यहाँ पर यहाँ भैया ये वाली नर्व है जो जिसका स्पीच से रिलेशन है यहाँ पर ये नर्व जारी है जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड है यहाँ पर से ये नर्व जारी है जो पैरालिसिस कर सकते हैं एक बॉडी पार्ट का और ट्यूमर यहां पर है तो आप ना बहुत बच बच के इसका इसको कट ऑफ करोगे बहुत बच बच के आप करोगे कि कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला नर्व डैमेज हो जाए कहीं ऐसा ना हो एक सेकेंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइज यस जी कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई जो 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 जिस नर्व जिस का रोल आपके विजन में है ये डैमेज हो जाए कहीं ऐसा ना हो जिस नर्व करोल मामोरी के अंदर है वो डैमेज हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके बॉडी पार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और ट्यूमर ऐसे यहाँ पर यहाँ पर ये ऐसे है तो आप क्या करोगे बचा बचा के करोगे ना आपको पता है कि कॉम्प्लिकेशन के बाद में दस घंटे के ऑपरेशन के बाद गालियां खानी है मुझे और कुछ तो इतने पता नहीं क्या इतने लॉस बनाने के बाद मारपीट पर भी उतर आते हैं तो आप सोचोगे भाई कर तो मैं भला ही रहा हूँ फिर भी मेरी भलाई कोई जानने वाला नहीं है खैर ऊपर वाला होता है देखने वाला वहां से आपको इंसाफ ज़रूर मिलता है तो आपको पता है कि आप तो बढ़िया काम कर रहे हो लेकिन ये नर्व ना डैमेज हो जाए यार बहुत बचा बचा के काम किया तो एक सेल रह गई एक सेल रह गई तो आपसे वहां पर ये इतना सब रिमूव कर दिया वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में से इन तीनों सब नर्व्स को बचाते हुए लेकिन एक डॉट रह गया भाई तो भी गाली खाओगे क्यों पेशेंट क्या बोलेगा सात आठ घंटे तो ऑपरेशन करवाया ठीक है इतने पैसे भी ले लिए अब फिर हो गया ये बेवकूफ बनाते कुछ नहीं किया ऑपरेशन थिएटर में ले जाके वापस ला दे दिया क्या क्या किया इस डॉक्टर ने ये वापस कैसे हो गया अरे ये वापस ऐसे हो गया भाई मेरे ये एक सेल रह जाता है तो इसलिए इसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा होता है बिनाइन ट्यूमर ब्रेन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट लेकिन मेलेग्नेट की तो कहानी और ही दूसरी है और ही दूसरी जिंदगी में वो चल रहा है किसी भी बॉडी पार्ट में हो यहां से एक ट्यूमर निकाला एक सेल पता ही नहीं था आपको तो उस पेशेंट को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता संसार में किसी को नहीं पता वो उसके ऊपर वाले के सिवा एक सेल वो भी पता नहीं कहाँ एक एक सेल का हिसाब किताब लगाने बैठा होगा एक सेल ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर हो गई है दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर पता नहीं आपको तो यही विजन आपका यही था आपने इसको रिमूव किया कुछ महीने बाद पता लगा यहाँ पर ट्यूमर हो गया दिस इज द मैलिग्नेंट वन कैंसरस वन कोई इलाज नहीं कहां तक सर्जरी करो डॉक्टर भी मना कर देता है एक टाइम के बाद कितनी सर्जरी कराएगा भाई <laughs> तो ये एक इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन uh, uh, होती है मालिंग ट्यूमर के अंदर तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने ही चाहिए तो ये सारी चीजें आपको मालिग्न ट्यूमर में तो ये कैंसर होते हैं जितने भी मैलिंग ट्यूमर है सारे के सारे कैंसर है क्योंकि इंपॉर्टेंट बिनाइन ट्यूमर नॉन मेटास्टैटिक नॉन मेटास्टेटिक मतलब जिस जगह पर है वहीं रहेंगे वहां से कहीं और नहीं जाएंगे ठीक है मेलेगनेट ये ब्लड और लिम्स के थ्रू मूव ऑन करते हैं तो मैटास्टेटिक है कैंसरस होते हैं दिस इज द थिंग ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस किया अब कैंसर को भी कार्सिनोमा है सार्कोमा है लिम्फोमा है ये मैं आपके साथ आज नहीं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें देख लो थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूं ये मेरा बच्चा हाँ जी आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है बेटा मेरे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है बोलो तो भाई यार जी ऐसा क्यों आ रहा है ठीक है हाँ जी मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है वर्ल्ड में बात करें फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर एक स्लाइड पहले ले लेती नहीं तो फिर ऐसा लगता है खत्म हो गया वर्ल्ड में मैं बात करूं वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर की अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा वर्ल्ड में बात करें वर्ल्ड के अंदर बात करें तो फीमेल्स के अंदर तो सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है यस एनी बडी फ्रॉम द सेशन वर्ल्ड में बात करी मेल और फीमेल में मेल के अंदर है बेटा प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पूरे विश्व में अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेल अधिकतर मेल्स के अंदर जो कैंसर होता है इट इज द प्रोस्टेट कैंसर और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है डिटेल में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगी बट दिस इंडिया की बात करें इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन, कौन सा है मेल और फीमेल के अंदर फीमेल के अंदर तो सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का यूटराइन सर्विक्स का मल्टीपल बर्थ्स जो होते हैं ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेल पढ़ाऊँगी खैर मैं सर्वाइकल कैंसर फीमेल के अंदर यूटराइन सर्विक्स का कैंसर होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर भाई गुटका तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ पर शर्म आने वाली चीज़ है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेल इट इज ओरल कैंसर टोबैको आपने देखा होगा कुछ लोग का माउथ ओपनिंग ही इतना सा रह जाता है खाना ऐसे खाते हो ऐसे करके माउथ ओपनिंग ही इतना सा रह जाता पूरा माउथ ओपन नहीं होता जो तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर माउथ ओपनिंग रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है ठीक है ओरल कैंसर बन सकता है आपने देखा होगा कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है ये इधर वाली साइड पर यहाँ पर जर्दा रखते हैं या फिर यहाँ पर रखते हो पूरा एरिया में पूरा एक स्कार टाइप बन जाता है दैट विल बी द रीजन ऑफ कैंसर स्मोकिंग तो ये सारी ओरल कैंसर शर्म वाली चीज है हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है मेल के अंदर इट इज ओरल कैंसर फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर होता है मल्टीपल बर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन क्योंकि बार 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 वहां पर वो चीज हो रही है मैं डिस्कस करूंगी ये भी सर्वाइकल कैंसर यूट्रस का होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर फीमेल के अंदर सर्वाइकल है और मेल के अंदर ओरल कैंसर है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन द वर्ल्ड इट इज द ब्रेस्ट कैंसर एंड मेल के अंदर है इट इज़ द प्रोस्टेट कैंसर इनको बहुत डिटेल में मेरे बच्चों में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ ठीक है बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑल अबाउट माई टूडे सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइज प्लीज हिट दिस लाइक बटन और आप मुझे यहाँ जरूर फॉलो कर लो भाई मेरे अपडेट्स के लिए अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर फॉलो कर लीजिए आप मुझे यहां पर मैसेज करोगे तो बहुत जल्दी मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ यहाँ के मैसेजेस का लेकिन आप डाउट पूछो तो हर बच्चे का डाउट मैं यहाँ पर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती एज आई टोल्ड यू तीन हजार एस एम घंटे की क्लास के बाद कोई नहीं एंटरटेन कर सकता रोज के प्लस वालों के तो करने ही पड़ते हैं तो अगर आपको डाउट इन सबके लिए आपको प्लस पर ही आना पड़ेगा उसका रीजन ये नहीं कि हम आपका करना नहीं चाहते प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो उसके लिए आप प्लस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो वाई आर यूजिंग माई कोड दैट इज शिवानी इससे <coughs> सॉरी आपको पूरा नीट का बायो मैं वहाँ पर कवर करती हूँ मेरा बैच कोर्स चल रहा है जिसमें फिजिक्स आपको निपुण सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री आदित्य गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं यही ड्रॉपर्स बेच वाला कोर्स हमारा वहाँ पर है तो बैच कोर्स भी है लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म का एज आई टोल्ड यू आपको लगता है नहीं मैम मुझे फिजिक्स आपका बैच कोर्स चल रहा है चल रही तो मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना मुझे केमिस्ट्री यहाँ से नहीं पढ़ना बिल्कुल आप फ्री हैं विदाउट एनी मतलब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता इतने सारे एडिकेटर्स हैं पूरा पूल है 40 प्लस इंडिया के टॉप मोस्ट एडिकेटर आपकी मर्जी आए जहां से फ्रीक्वेंसी मैच करे आप पढ़ सकते हैं यू कैन सब्सक्राइब टू आर प्लस चैनल यूजिंग माई कोड शिवानी इसके बहुत सारे फायदे दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाएगा बायो के पूरे क्वेश्चन बैंक्स मैं आपको दूंगी किसी एम टी जी वेम टी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे पर्सनल मेंटरशिप मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाओगे पूरे साल भर नीट की तैयारी आप मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर कर सकते हो और मेरे सुपर एटीज़ का एक पार्ट बन सकते हो आई यूजिंग दिस कोड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है उनके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है प्लस पर प्लांट फिजियोलॉजी इज गोइंग ऑन राइट नाउ तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत समय नहीं है और जो पीछे रह गया है उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे डाउट में टाइप देकर एंटरटेन कर दूंगी बाकी मैं दोबारा रिपीट भी करूंगी उन्हें तो जिसने भी नहीं एनरोल किया है वो फटाफट से अभी एनरोल कर सकता है ठीक है Uh, अगर मैम किसी को एड्स के साथ ब्लड कैंसर हो जाए तो एड्स का कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई ये मैं कल पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छे से सब होगा ठीक है तो इट इज़ दिस ठीक है बच्चा और आज रात साढ़े आठ बजे आप सबको आना है uh, हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और कल रात दस बजे मस्ट वॉच वीडियो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहती हूँ कि ज़रूर मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में जो बच्चे चले जाते हैं और और भी चीज़ें अभी आपने देखा होगा कल सुशांत सिंह राजपूत का जो न्यूज़ था वो बहुत ही शॉकिंग था तो आप देखते हैं यार इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी ये चीज़ें क्यों होती हैं एक्चुअली वहीं ज़्यादा होती है और क्या चीज़ें होती हैं मैं देखती हूँ मेरे बहुत सारे बच्चे मिड सेशन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपना पूरा कैरियर भी ख़राब कर लेते हैं और मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है उसको कैसे डील करना चाहिए ये मैं आपके साथ इस सेशन के साथ मिलूंगी कल रात दस बजे और आज रात साढ़े आठ बजे नीट डेली डोज के तड़के में 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच बाय बैरी वन और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ वीडियो के शुरुआत में ही शेयर कर चुकी हूं मैं दोबारा एक बार दे देती हूं तो आप यहां पर से एक सेकेंड दे रही हूँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे आज ये एक्टिवेट हो जाएगा आप मुझे कल से इस पर्टिकुलर मैसेज पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो

और एक चीज हमेशा ध्यान रखना आपकी जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है एक पेपर का टुकड़ा आपका जिंदगी से ज्यादा बढ़कर नहीं है तो प्लीज बी सेफ एट योर होम अच्छा खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो ठीक है और सिर्फ अपने इनपुट्स पर ध्यान दो आउटपुट्स अपने आप मिलेंगे मेरे बच्चों बाय थैंक यू